खबर है संगम नगरी प्रयागराज के थाना कैंट से, जहां आज कार्यालय प्रधान महालेखाकार ने किया पत्रकार सम्मेलन और बताया कि कुंभ मेला के दौरान तमाम तरह की अनियमितताएं की गई तथा अधिक खर्च किए गए। मेले को संचालन को लेकर किया गया ऑडिट, इसमें पता किया गया कि किस चीज़ के लिए कितनी चीज़ें लगवाई गई, जिसमें पता चला कि बहुत सारे चीज़ें ठंड क्वालिटीज़ की थी जो मेले में उपयोग की गई तथा समय से काम नहीं हुआ है तथा SDRF के भी पैसे पुलिस विभाग को दे दिया गया। इस तरह की तमाम अनियमितताएं की गई, जैसे बैग स्कैनर आए लेकिन उनका कोई उपयोग नहीं किया गया, शौचालय तक समय से नहीं बन पाए जबकि शौचालय के लिए अधिक पैसे लिए गए थे। देखिए प्रयागराज से कुमारी मनोज सिंह की इस रिपोर्ट में। ये लोक लेखा समिति की तो ऑटोमेटिकली चली जाएगी, उसके बाद लोक लेखा समिति इनमें से कुछ मुद्दे को चयन करती है अपने डिटेल साक्ष्य के लिए। उसमें विभाग का जो हेड आता है SES हुए या प्रिंसिपल सेक्रेटरी में, वो आके क्या काम हुआ है उसके ऊपर, उनके मतलब कार्यान्वयन क्या हुआ है, व्हाट एक्शन है उसमें, उसको करने के लिए वो आते हैं वहाँ, साक्ष्य फिजिकली आके साक्ष्य देते हैं, हम लोग भी जाते हैं। तो एक प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है।